अर्फा क्रीम टावर रेवेन्यू फराहम करने के बजाय पैसा हड़प करने लगा है। अदारा 5 साल में 1,22,00,00,000 रुपए के कर्ज की अदायगी में नाकाम रहा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड महकमे खजाना का कर्ज चुकाना ही भूल गया। इसी हवाले से तफसला जानेंगे फारूक बोदला से। जी फारूक बोदला। जी तारिक हसीब, अर्फा क्रीम टावर जो मंसूबा है वो हुकूमत तक है कि महकमा खजाना से 5 साल कब इसने 1,22,75,00,000 से ज्यादा की रकम जो बतौर कर्ज ली थी जो कि अभी तक वापस नहीं की गई है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मुतअद्दिद बार महकमा खजाना की जानिब से मरासले जारी करते हुए ये एहसास दिलाया गया था, याद दिलाया गया था कि वो कर्जदार हैं और कर्ज चुकाना उनको चाहिए, लेकिन वो कर्ज चुकाना भूल गए हैं। महकमा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको भी मुतअद्दिद बार खत लिखा गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही ये कोई वादा किया कि कितने अरसे में ये जो है रकम वापस कर ली जाएगी। इस हवाले से महकमा खजाना के जो मुतअद्दिद खतूत थे वो भी बेसुध गए और कर्ज ग्रांट में मुंतकिल करने के हवाले से भी चीफ मिनिस्टर को मरासला जारी किया गया था लेकिन वो रकम जो है वो ना तो वापस की गई है और ना ही वो रकम जो है वो ग्रांट की सूरत में मुंतकिल हो सकी। अर्फा क्रीम टावर जो है ये बेसिक बुनियादी तौर पर रेवेन्यू हासिल करने के लिए इदारा बनाया गया था लेकिन रेवेन्यू बनाने की बजाय शुक्रिया आपका फारूक बोदला।